इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस समय धूम मचा हुआ है। मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक बस के एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल बताने वाला हूं। ये एक स्पेशल बस मिलने वाली है जो कि नवी मुंबई में मिलती है। यहां पर आप इलेक्ट्रिक बस से बिंदास ट्रेवल कर सकते हैं। और जब आप इलेक्ट्रिक बस से ट्रेवल करते हैं तो सबसे अच्छा एडवांटेज ये होता है कि आपके पॉकेट पर खर्च कम आता है। ये तो डायरेक्ट बेनिफिट हो गया। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि एटमॉस्फेयर क्लीन रहता है, यानी आपको जो हवा मिल रही है वो शुद्ध हवा मिलेगी, फ्रेश हवा मिलेगी। रोड पर आपको वो स्मोक और ये सब जो इरिटेशन होता है, इचिंग जो होता है, वो आपको नहीं होगा। तो ये एक अच्छा एडवांटेज हो जाता है क्लाइमेट के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए भी और खुद के पॉकेट के लिए भी। तो ये है JBM की इलेक्ट्रिक बस। इनका काम होता है इलेक्ट्रिक बसेस बनाना और दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना। यहाँ नवी मुंबई में NMMT यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, नवी मुंबई म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें ये बसेस सारी चल रही हैं। यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट ये फैसिलिटी मिलने वाली है। और इस बस का यहाँ पर आप लुक देखिए, किसी भी ट्रेडिशनल बस से काफ़ी अच्छा लुक रखा गया है। काफ़ी मॉडर्न आपको इसमें फीचर मिलने वाले हैं। जो इसमें आपका एक्सपीरियंस है वो माइंड ब्लोइंग होने वाला है। इसमें आपका जो ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस है, आप भी उतरने के बाद बोलेंगे कि नहीं काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको AC भी मिल जा रहा है, कंफर्टेबल सीट मिलने वाली है, सस्पेंशन इसका काफ़ी अच्छा है। वो सब हम लोग डिटेल में देखें, उससे पहले आप इसका फ्रंट से लुक देख लीजिए। कुछ इस तरह से ओवरऑल इसका अपीयरेंस आने वाला है। ग्रीन नंबर प्लेट हो जाएगा। ग्रीन नंबर प्लेट आप सब लोग जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आपको यही नंबर प्लेट मिलता है। यहाँ पर JBM का लोगो और कुछ इस तरह से, यदि यहाँ पर रेंज ज़्यादा होता है और यहाँ पर इसका जो यूज है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब माइंड ब्लोइंग लुक मिलने वाला है। और हेडलैम्प की बात करें और इसके साथ साथ साइड इंडिकेटर का, तो देखिए कुछ ये प्रोविजन इसमें रखा गया है, प्रोजेक्टेड हेडलैम्प दिया गया है। इसका राइट प्रोफाइल कुछ इस तरह से, काफ़ी यहाँ पर लंबी बसेस मिलने वाली है। और इसमें आपको दो कैटेगरी मिल जाती है, एक छोटी बसेस का होता है मिनी बस और एक बड़ी बस। और यहाँ पर देखिए चार्जिंग स्टेशन दिया गया है जो कि JBM की तरफ से है। ये बहुत सारी बसेस आप देख सकते हैं पीछे चार्ज हो रही हैं, वो उनके चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पर। इसको चार्ज करने में सबसे अच्छी बात बताऊं कि चार्ज करने में सिर्फ 1.5 आवर लगता है। 1.5 आवर में फुल चार्ज हो जाती है और सिंगल चार्ज में 160 से 70 किलोमीटर तक चलती है। तो अभी ये लोग आ गए हैं बस को लेकर जाने के लिए, ये लोग वॉशिंग में लेकर जाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। तो हम भैया से रिक्वेस्ट किए हैं, वो ओपन कर देंगे। ये एक्चुअली ऑटो लॉक डोर है। जो इस बस को चला रहे हैं उनसे भी मैं आप लोगों से एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए आ जाते हैं। यहाँ पर लो फ्लोर बस है, यानी एजेड लोगों के लिए भी ट्रेवल करना इसमें आसान रहने वाला है, क्योंकि बहुत हाइट होती है तो चढ़ना दिक्कत हो जाता है। और यहाँ पर क्लीन हो सके ये डोर में, ये आप फैसिलिटी देख सकते हैं। अभी ये आवाज़ आ रहा है क्योंकि ये डोर ओपन है। और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए, जैसे एयरपोर्ट वगैरह पर जो बसेस होती हैं, और ज़्यादातर वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही बसेस रहती हैं, यही सारे आपको फैसिलिटीज मिलते हैं। यहाँ पर सीट देख लीजिए, और सीट का कुशन का जो क्वालिटी है ये आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। सेपरेट रखा गया है, दोनों जो पैसेंजर हैं दोनों अलग अलग आपको ये ट्रेवल करने वाले हैं। और बीच में खड़ा होकर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जा रहा है, और खड़ा होकर ट्रेवल करने के लिए भी ये आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये फैसिलिटी मिलने वाली है। तो बैठने का जो है आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहने वाला है, और एट ए टाइम आप इसमें काफ़ी अच्छे खासे जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं वो ट्रेवल कर सकते हैं। और फुली एयर कंडीशन है तो इसका भी आपको लाभ मिलने वाला है। गर्मी हो ठंडी हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने जर्नी को एंजॉय करेंगे। आ जाइए इस बस को जो चला रहे हैं हम, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? महेश शिर्की। भाई साहब, ये इस बस को आकर कितना टाइम हुआ? इसमें 3 साल हो गया, कोरोना वजह से थोड़ा बीच में स्टॉप था गाड़ी। अभी इसको समझो 1.5 साल हो गया जो रूट पे चलाते हुए। हाँ। अच्छा, दोनों जो इससे पहले CNG थी और इसमें क्या आपको डिफरेंस लग रहा है? ये अच्छा है, मतलब ये गाड़ी चलाने के लिए भी अच्छा है और मस्त है, मतलब अच्छा आपको चलाने में कंफर्ट रहता है, सस्पेंशन वगैरह की क्वालिटी अच्छी है और ऑटोमेटिक है ना गाड़ी, और फुली AC है। फुल AC है। पहले तो CNG वाली AC रहती नहीं। हाँ, वो तो नॉर्मल अपना गाड़ी है। और पैसेंजर का क्या फीडबैक रहता है? कोई बोलता है कि भी अच्छा लगता है, मतलब बाहर का साउंड तो नहीं आता पूरी तरह से। हाँ हाँ, ये पूरा एकदम नॉर्मल पैक रहता है, बाहर का भी आवाज नहीं आता। तो यदि कंफर्टेबली उतरते होंगे तो उनका दिल खुश रहता होगा, दिल खुश, चेहरा एकदम मुस्कान भरा रहता होगा। गर्मी की वजह से थोड़ा उनको लोगों को सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। अच्छा, और आपको चलाने में भी कंफर्ट रहता है? चलाने के लिए तो मतलब आपको भी आराम है, पैसेंजर को भी आराम है। और मेंटेनेंस वाइज यदि बात करें तो क्या आपको लगता है कि ये बेहतर है कि वो बेहतर थी? ये बेटर है, इसका मेंटेनेंस तो अभी जीरो मेंटेनेंस बोल रहे हैं। अच्छा, रनिंग कॉस्ट इसका मतलब काफी कम है। कम है। अच्छा, और ये आपका डिस्प्ले वगैरह में क्या आपको फैसिलिटी मिल जा रही है? ये अभी देखिए, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी। अच्छा, ये स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये सब सिंबल आया अभी। हाँ। चाबी ये किया, ऑन किया, अभी स्टार्ट, अभी धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये इसका मैक्सिमम स्पीड कितना जाता है? इसका मैक्सिमम 80 तक ये किया है, लॉक किया है। लॉक किया है, अदरवाइज ये फ्री छोड़ दी जाए तो कितना चलेगी? 70 तक ये जाती है, 70 के आसपास जाती है। अच्छा,
और कितना किलोमीटर चलती है एक बार फुल चार्ज में? इसका तो दिया 150 तक चलती है। अच्छा, 150। और चार्ज होने में टाइम कितना लगता है? वही एक घंटा डेढ़ घंटे में हो जाता है। डेढ़ घंटा में। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे। चलिए थैंक यू। तो अभी ये गाड़ी वॉश होने जा रही है, वॉश होने के बाद ये निकलेगी तो फिर हम लोग इसमें बैठकर थोड़ा ट्रेवल भी करेंगे और मैं वो एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर करूंगा। हर राइड के बाद जब ये गाड़ी आती है तो इसको अच्छे से क्लीन किया जाता है। अंदर जाएंगे तो वहाँ पर बकेट वगैरह लेकर वैक्यूम क्लीनिंग से सीट को क्लीन करते हैं, बाकी जो कचरा है ये सब निकाला जाता है। तो ये लोग क्लीनिंग स्टाफ हैं, क्लीन कर रहे हैं। और यहाँ के बाद बस चार्ज होने के बाद अंदर जाएगी, वॉश होगी और वॉश होने के बाद फिर से रोड पर आ जाती है। ये बस यहाँ से क्लीन होकर आ रही है। ये है अंदर इसका क्लीनिंग सिस्टम। वहाँ पर से बस गुजरेगी और अपने आप ये बाहर से वॉश हो जाएगी, ऊपर और नीचे इस तरह से इसका वॉशिंग सिस्टम दिया हुआ है। अभी हम लोग एक बस में बैठ जाते हैं। अभी इसके फ्लोर को देखिए, यहाँ पर ये नीचे कर रहे हैं। जब पैसेंजर को इसमें जाना होगा तो ये आपको कम करके देंगे, ताकि यदि कोई एजेड हो, किसी को नी में प्रॉब्लम है तो वो ईजिली इस पर राइड कर सके। पैसेंजर के लिए काफ़ी आसान हो जाता है ये लो फ्लोर के बस होने की वजह से। तो अभी हम लोग थोड़े दूर चलेंगे इस बस में और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। यदि कोई पैसेंजर मिला तो उससे भी हम पूछेंगे कि रेगुलर ट्रेवलर है या उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो सारी बातें भी हम लोग आपसे शेयर करेंगे। अभी मैं यहाँ पर बैठ गया हूँ, विंडो सीट मिला है और विंडो का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि पूरा ग्लास जो है वो फिक्स है और एसी चल रही है। अभी हवा लग रहा है, अच्छा लग रहा है अभी। और क्या होता है, जो रेगुलर ट्रेडिशनल बसेस हैं उसमें सीएनजी वगैरह वाले जो होते हैं उसकी खिड़की खुली रहती है, बाहर का जो नॉइज है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर उससे पीसफुल यहाँ पर जर्नी होने वाली है और तो काफ़ी कूल भी लग रहा है। हालांकि ठंडी का मौसम है फिर भी एसी का जो मज़ा है वो तो अपना अलग ही मज़ा होता है। यहाँ पर आप ये देखिए पैसेंजर को पकड़ने के लिए, ताकि कहीं टर्निंग वगैरह हो तो उसमें भी ये सुविधा रहे। और इस बस की एक खासियत बताऊं, ये पूरी तरह से सेफ है। इसमें आपको दो कैमरे मिलने वाले हैं, तो यानी किसी भी टाइम पर अकेले भी ट्रेवल कर रहा है, कोई गर्ल्स भी है लेडीज़ भी है, तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। देखिए एक फ्रंट पे कैमरा वहाँ पर है और ड्राइवर के पास में, और दूसरा कैमरा यहाँ पर पीछे है, यानी फुल कवरेज यहाँ पर मिल रहा है। और दूसरी बात, आप एसी को यदि आपको नहीं चाहिए, जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह में होता है आपको एसी नहीं चाहिए, तो आप अपने एसी को क्लोज कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ब्लोअर को। तो यहाँ पर आपको ये फैसिलिटी मिल रही है। ये देखिए ये मैंने बंद कर दिया, अब यहाँ पर हवा नहीं मिल रहा है। यदि आपको चाहिए तो इसको ओपन कर लीजिए और किस डायरेक्शन में चाहिए आप उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए। तो ये काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आपको ये फैसिलिटी मिल रही है, ये बस में मिल रही है और वो भी अपने इंडिया में। ये कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सारी फैसिलिटीज अपने यहाँ भी अब होने लग गई है, ये बहुत खुशी की बात है। और मेरे साथ साथ चचा भी ट्रेवल कर रहे हैं, तो इनका उम्र थोड़ा सा ज्यादा है, तो इनसे भी हम ये एक एजेड आदमी है, तो इनका भी जो एक्सपीरियंस, घुटने उठने में दर्द नहीं होता ना चचा आपको? बाल में दर्द होता है इनको, बाल में दर्द होता है तो ये अलग बात है, फिर अभी इनका क्या इलाज करें। अच्छा भाई साहब, मुझे आपसे थोड़ी सी ये जानकारी चाहिए थी, आप कितने साल से सर्विस में हैं ये टिकट चेकिंग के? 22 साल से। वाह, तो यानी आप डीजल वाली बस में भी रहे होंगे? हाँ। डीजल से फिर सीएनजी? हाँ। और सीएनजी से अभी इलेक्ट्रिक? इलेक्ट्रिक। तो क्या फर्क आपने देखा डीजल सीएनजी और इलेक्ट्रिक में? डीजल का तो वो उसका बॉडी बराबर नहीं, वो सुनाई नहीं देता रास्ते में, आवाज इसका आवाज नहीं होता है। जब मैं नया नया मुंबई आया था 2008 में, तो मतलब वही बस देखकर डिप्रेशन होता था कि इतना मेगा सिटी है, अच्छी बस होनी चाहिए। लेकिन अभी देखकर खुशी होती है कि सब पैक हैं और एसी बसेस हैं, सब अच्छा। आपको कैसा लगता है, पैसेंजर का क्या फीडबैक है? पैसेंजर खुश है, खुश रहते हैं। टिकट में कुछ फर्क पड़ा है क्या? हाँ, 3 रुपए का फर्क है खाली एसी वाले में और नॉन एसी वाले में। तो मतलब एक एग्जाम्पल के हिसाब से कम 7 रुपए है उसका, कम से कम उसका 7 रुपए है और इसका 10 रुपए। हाँ, इसका 10 रुपए। अच्छा, और मतलब 3 रुपए के हिसाब से लगभग थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, मुझे लग रहा था कि कॉस्ट सेम है, वहाँ पर मैं गलत था, थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि आपको 7 रुपए की जगह पर 10 रुपया देकर एसी में ट्रेवल करने को मिल रहा है और पूरी तरह से पैक है, तो नॉइज वगैरह से भी आपका जो सिर है वो शांत रहने वाला है। तो लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं या पैसे पर जा रहे हैं? नहीं, पैसे पर नहीं जा रहे हैं, फैसिलिटी पर जा रहे हैं। चलिए, और भरी भरी जाती है बसेस पूरी एकदम? हाँ, भरी भरी जाती है, मतलब कहीं भी खाली नहीं रहता किसी भी रूट में। तो मतलब एकदम एक तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा बदल गया है, जेबीएम ने बदल दिया है। ठीक है, चलिए थैंक यू। इस बस का जो टॉप स्पीड है, लॉक रखा गया है, आपको टॉप स्पीड 60 का ही मिलेगा। वैसे नॉर्मली ये 70 वगैरह के स्पीड में जा सकती है, तो बसेस तो मुझे लगता है कि 60-70 में भी जाती है, तो बहुत ज़्यादा ही स्पीड लगता है। हैवी व्हीकल है,
और इसे ज़्यादा चलाएंगे तो दूसरे के लिए भी नुकसान हो सकता है, अपने लिए भी नुकसान हो सकता है। तो 60 का स्पीड काफ़ी अच्छा खासा डिसेंट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सस्पेंशन का जो क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत कहीं से डिस्टर्बेंस नहीं है इसके सस्पेंशन में, कम्फर्टेबल है। तो मुझे लगता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है और थोड़ा सा पैसा लगेगा लेकिन आपका जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा खुशनुमा हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ से टर्न हो रही है, फ्लाईओवर से गाड़ी नीचे उतर रही है, ये टर्निंग पर देखिए कुछ इस तरह से ये रेडियस मिल रहा है हमें और पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो रही है गाड़ी। तो बड़े बड़े विंडोज हैं जिसके वजह से क्लेस्ट्रोफोबिक भी नहीं हो रहा है, बाहर का व्यूज भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। यदि कोई सिटी टूर पर आया तो उसको तो मज़ा ही मज़ा है और जो नहीं सिटी टूर पर है उनके लिए भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्लेस्ट्रोफोबिक नहीं फील होता है और इसके साथ साथ जो वाइब्रेशन है गाड़ी का वो भी कम हो जाता है इसकी वजह से। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। हम लोग काफ़ी दूर तो नहीं जाएंगे, हमें यहाँ से दूसरी गाड़ी लेकर अपने गाड़ी के पास जाना पड़ेगा और यहाँ पर हम आए बीच में। यहाँ पर डिसेबल लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, यहाँ पर देखिए ऐसे अंदर करके और व्हील चेयर को यहाँ पर हॉल्ट दिया जा सकता है, व्हील चेयर के लिए स्पेशली ये जगह बना हुआ है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको ये अच्छी फैसिलिटी मिलने वाली है, काफ़ी मॉडर्न यहाँ पर फैसिलिटी मिल रहा है। अब इतनी दूर में ही कूलिंग का मैं बताऊँ आप लोगों को, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग उतरेंगे। हम लोगों ने 5-6 किलोमीटर के आसपास राइड किया है और हमारे साथ साथ ये भी राइड कर लिए हैं और फ्री का राइड था हमारे लिए। और ये है बस स्टॉप, यहाँ पर हम लोग उतर गए हैं।